subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to my YouTube channel. और इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक. तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने गोल्ड में एक अच्छी खासी रैली देखी, लगभग 1400 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, लगभग 3% ऊपर 51,917 पे क्लोजिंग दी है. और ये हुआ है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने गोल्ड पे टैक्सेस बाकी ड्यूटीज बढ़ा दी. शायद जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, GST है, वो भी शायद बढ़ा दिया. तो टैक्सेस बढ़ने की वजह से गोल्ड में ये अननेचुरल मूव हमें देखने को मिली है. तो चलो देखते हैं चार्ट पे अभी गोल्ड कैसे दिख रहा है. तो गोल्ड जो है, तो मंथली चार्ट पे देखोगे तो मंथ की शुरुआत ही हमने लगभग 3% गेन के साथ की है. और यहाँ चार्ट पे आप देखोगे तो फिर से गोल्ड जो है तो 52,800 के लेवल और 55,800 के लेवल की तरफ बढ़ रहा है. निचली तरफ अभी जो मंथली चार्ट पे सपोर्ट है वो 50,900 के अराउंड है, जो पिवोट R1 का सपोर्ट है. और यहाँ जो है तो इंडिकेटर वाइज प्राइस जो लग रहा है मुझे कि ये अननेचुरल मूव है और ये शायद आने वाले दिनों में आपको जो है तो करेक्शन आते हुए दिख सकती है. अगर गोल्ड 50,900 के नीचे आता है तो आपको गोल्ड में एक डीपर करेक्शन देखने को मिलेगा. जब तक ये 50,900 के नीचे नहीं आएगा तब तक ये रैली कंटिन्यू हो सकती है. अभी देखते हैं वीकली चार्ट. तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ जो है तो आपको वीकली चार्ट पे इसने 20 वीक और 50 वीक की एवरेज के अराउंड जो है तो सपोर्ट लिया है और अभी उनके दोनों के ऊपर ट्रेड कर रहा है. तो ये बुलिश मोमेंटम है ऑन वीकली चार्ट. और वीकली चार्ट पे फ्रेश बाय सिग्नल भी आ चुका है स्टोकेस्टिक से. तो एक 52,800 के लेवल जो है तो गोल्ड दिखा सकता है. अभी उस लेवल के अराउंड देखना पड़ेगा कि वहाँ से सप्लाई आता है या नहीं मार्केट में. मुझे लगता है कि मार्केट जो है तो करेक्टिव फेज में है. यहाँ ऊपर अगर गया गोल्ड तो वहाँ से भी आपको जो है तो मार्केट में सप्लाई आते हुए दिखेंगे. करंट मूव का जो टारगेट बनता है वो 52,800 का बनता है. तो यह हमें देख रहा होगा कि 52,800 के अराउंड कितना रेजिस्टेंस आता है. करंटली जो मूव आ रही है इसका टारगेट 52,800 के. अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर से हम 55,000 के लेवल गोल्ड में आते हुए देख सकते हैं. जो कि इन्फ्लेशन, वीक रुपी, ये सभी फैक्टर जो है तो गोल्ड को शायद पुश करेंगे. मगर फिर भी यहाँ जो है तो मेरा व्यू जो रहेगा तो आपको लॉन्ग साइड पे कॉशियस रहना है और स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है. डेली चार्ट देखते हैं. तो डेली चार्ट पे आप देखोगे तो गोल्ड ने एक ही दिन में जो इस महीने के दो टारगेट थे वो दोनों अचीव कर लिए. अभी लास्ट टारगेट बचा है वो 52,500 के अराउंड है. तो मुझे लगता है कि 52,500 से लेकर 800 के बीच में जो है तो मार्केट में एक अच्छा खासा सप्लाई आ सकता है. वहाँ से फिर से आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है. निचले लेवल पे जो है अगर यहाँ से करेक्शन आता है तो आपको सेल ऑफ भी देखने को मिलेगा गोल्ड में. जो सेल ऑफ जो है तो गोल्ड को लेकर जा सकता है लगभग 49,000-50,000 के लेवल की तरफ. तो एक रिस्की शॉट बन सकता है जो 52,500 से लेकर 800 के बीच में आपको देखना है कि वहाँ अगर वीकनेस आती है तो वहाँ आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हो. गोल्ड में आपको निचले लेवल देखने को मिल जाएंगे शॉर्ट टू मीडियम टर्म में. यहाँ अभी जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू हो सकता है. और जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन लेने की मैं सलाह नहीं दूंगा. जिनके पास ऑलरेडी है उन्हें ट्रेल करना चाहिए और आपको टारगेट रखना चाहिए 52,500 और उसके बाद में 52,800 के टारगेट आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म में रख सकते हो. तो हमने डेली चार्ट पे देखा यहाँ ये जो अभी मूव आई है ये अननेचुरल मूव है. आप यहाँ देख सकते थे जिस तरह से यहाँ आई थी उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल देखिए. आप नेक्स्ट कैंडल में जितनी मूव आई थी उससे ज़्यादा जो है तो सेल ऑफ हुआ है. तो ये अननेचुरल मूव है. मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेन होगी. फिर भी करंट मोमेंटम के साथ आपको जाना चाहिए. फ्रेश लॉन्ग नहीं करने हैं. फ्रेश लॉन्ग जिनके पास ऑलरेडी निचले लेवल पे लॉन्ग है उन्हें ट्रेल करना है और उनको टारगेट रहेगा 52,500-52,800 का. और मुझे लगता है कि 800 के अराउंड अगर गोल्ड मिलता है तो वहाँ एक परफेक्ट शॉट बनेगा. अगर वहाँ टॉप के सिग्नल एक स्विंग हाई बनता है तो वहाँ से आप स्टॉप लॉस के साथ एक 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ एक बड़े से डाउन साइड टारगेट के लिए गोल्ड को शॉर्ट कर सकते हो. सो आई होप सो कि जो एनालिसिस है
ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको श्योर शॉट कम्युनिटी कॉल चाहिए विथ लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलो तो मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।